अस्सलाम वालेकुम, आई एम सहर और आप देख रहे हैं हैप्पी व्लॉग विद सहर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बंद गोभी वाली सब्ज़ी। तो ये काफ़ी कम लोग जो हैं ये बनाते हैं और मैंने भी पहली बार ये ट्राई की और मैंने फिर आपके साथ वीडियो कहा शेयर करती हूँ। तो ये यकीन करें, ये ना बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। तो जब मैंने भी खाई तो वाकई ना बहुत मज़ा आया। तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी हूँ, वीडियो में आपने लास्ट तक रहना है। इसके लिए मैंने लिए ऑयल में डाले प्याज, प्याज को मैंने ब्राउन किया और ब्राउन करके उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन। और ये डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से अदरक लहसुन को प्याज में मैं फ्राई करूँगी। इसको काफ़ी अच्छी तरह हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन। हम बंद गोभी चिकन में बनाएंगे। तो इसको अब मैं अदरक लहसुन के अंदर, प्याज के अंदर मैं अच्छी तरह से अपने चिकन को मैं करती हूँ फ्राई, और ताकि इसका जो कलर है वो आ जाए थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा। ये लें जी, ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है। तो फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं, मैंने ना टमाटर हैं वो लिए हैं थोड़े से ज़्यादा, ये 4-5 टमाटर हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से मैंने काट के, तो इसको मैंने अब टमाटरों को मैंने चिकन में गालूंगी। और ये गालने के लिए जो होता है ना, ये इसमें थोड़ा सा बंदा ना हल्का सा पानी डाल के और इसको ऊपर से बंद कर देता है ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से हमारे टमाटर गल जाएं। ये लीजिए, ये हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो भी गल जाएगी। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ। जो स्पाइसेस हैं, ये नमक है, रेड मिर्च है, ज़ीरा है, हल्दी है और काली मिर्च है। ये डाल के और अब मैं स्पाइसेस को भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, भूनूंगी। और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च साबुत। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करती हूँ और साथ साथ जो पानी है थोड़ा बहुत रह गया है ये भी खुश्क हो जाएगा और हमारे जैसे स्पाइसेस हैं वो भी चिकन में अच्छी तरह से पक जाएंगे। ठीक है, तो ये लें जी, ये मेरे काफ़ी अच्छी तरह से पक रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑयल आ चुका है। और इसके बाद मैं अब इसमें अपनी बंद गोभी डालूंगी। ठीक है, तो ये आपने अपने घर में जो है लाजमी, जो लोगों ने नहीं बनाई हुई वो भी लाजमी बना के देखिएगा, चाहे कम बना के देखना, लेकिन वाकई ना ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैं पहले कहती थी मैं नहीं खाती, लेकिन मैंने जब खाई तो वाकई में बहुत मज़ा आया। इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। ठीक है, तो ये चिली सॉस डालूंगी और सोया सॉस डालूंगी और साथ में मैं ना सिरका डालूंगी। ठीक है, तो इससे ना ये ना थोड़ी सी ना बन जाती है चाइनीज़ टाइप की। ठीक है, तो मैंने डाल की अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। और लास्ट में जो है मैं अब इसमें डालूंगी सिरका, सिरका डाल के तो इसको जो है ना अब मैं अपने चिकन को अच्छी तरह से फिर से भूनूंगी। तो बुनाई तो इसकी हो चुकी है, ऊपर ऑयल भी आ चुका है, तो हमारे जो है चिकन अब रेडी हो चुका है। हमारे जो से स्पाइसेस हैं वो भी अच्छी तरह से ये बन गए हैं, पक गए हैं, और टमाटर भी अब ना बिल्कुल भी नहीं रहे, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं और हमारा चिकन जो है वो भी बिल्कुल साबुत है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब मैं इसमें डालने लगी हूँ बंद गोभी। बंद गोभी मैं थोड़ी थोड़ी डाल के इसको मैं ना हल करती जाऊँगी, इसको मिक्स की जाऊँगी। ठीक है, तो ये जो है ना इतनी डाली है, डाल के मैंने मिक्स की है। ठीक है, चिकन में अब मैं जो बकाया जो रही है वो भी मैं सारी डाल दूंगी, डाल के और मैंने हल्का सा मैं पानी डालूंगी, पानी डाल के इसको मैं ना दम पे लगा दूंगी। ठीक है, तो ये लाइट फ्लेम पे मैंने इसको ना दम लगा देना है और जब तक ये पकती रहेगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको खोल के आपको दिखाऊंगी। ये लें जी, हमारी सब्ज़ी का दम लग चुका है और ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको ना हल्का हल्का ना हिला हिला के इसको मैं ना भूनूंगी। उसके बाद मैं एंड पे जो है ना मैंने इसमें डाल देना है अजवाइन, और जिसको और टेस्ट नहीं अच्छा लगता वो ना भी डाले, लेकिन अगर ये हम डाल लेंगे इससे जितनी भी ये हमारी जो बादी होती है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बंद गोभी की तो हमने डाली है, डाल के इसको हम अच्छी तरह से अजवाइन को हम मिक्स करेंगे अपने सब्ज़ी में।
तो ये लें जी, हमारी ये थोड़ी थोड़ी ना, हमारी जो सी बंद गोभी है ये थोड़ी थोड़ी खड़ी है, तो ये बिल्कुल गुले ना, थोड़ी थोड़ी खड़ी रखनी है। मैंने हल्का सा ना 2 मिनट्स के लिए फिर से दम पे लगा दिया, ताकि जो है ना हमारी जो सी बंद गोभी, वो जो अजवाइन है ना, वो ना इसमें ना बिल्कुल मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये लें जी मेरी जो सी सब्ज़ी थी, बंद गोभी वाली, चिकन वाली सब्ज़ी, ये रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी प्लेट में, और आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ, और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है, और इसकी लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, और बहुत मज़ेदार हमारी बंद गोभी वाली सब्ज़ी रेडी है। तो आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी, जैसे कि पहली बार खाने से मुझे भी बहुत टेस्टी लगी। थोड़ी चाइनीज़ टाइप हमारी बंद गोभी तैयार है। तो अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में बताना है, मेरे आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, दुआओं में भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।